उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। आशा करते हैं कि आगे भी सेफ रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की विंटेज वीडियो के साथ। वेल दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ बोट रॉकर 650 एंड बोट रॉकर 450। दोस्तों दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो काफ़ी हद तक सेम है, चाहे वो ड्राइवर्स की बात करी जाए, चाहे वो साउंड क्वालिटी की बात करी जाए। बस मतलब एक से दो फीचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के दी गई है। अगर हम 1500 के हिसाब से कंपेयर करें तो शायद इस चीज़ को बोट रॉकर 650 जस्टिफाई नहीं करेगा। अब क्योंकि दोस्तों अगर हम 1500 की अभी बात करें तो आपको कौन सा मॉडल परचेज करना चाहिए। दोस्तों मैं फुल डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं और ये भी मैं बता दूं कि काफ़ी यूट्यूबर हैं जो कि बोट रॉकर 650 का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बता रहे हैं, यानी कि अच्छा ही बता रहे हैं। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर सिर्फ 60 आर्ट्स की बात करूं तो वही सिर्फ इसकी प्रॉज है, बाकी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं चाहता तो इस वीडियो को काफ़ी लंबा बना सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर तो यही करते हैं, वीडियो को लंबा बना देते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन वही घिसा पिटा डालते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन वही पब्लिक को चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है और जो होना चाहिए। हालांकि दोस्तों सब्सक्राइब से रिलेटेड एक और मिथ पब्लिक के अंदर में बैठा हुआ है कि जो न्यू क्रिएटर है उसे सब्सक्राइब नहीं करना है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, न्यू क्रिएटर को भी ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो कुछ कर सके, क्योंकि दोस्तों जो बड़े यूट्यूबर हैं वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, पर आप लोग को सपोर्ट करने चाहिए जो न्यू क्रिएटर है। ऑल दो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट का काफ़ी ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों बेल आइकॉन को भी ऑल पर डाल देना। अब दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। दोस्तों ये सब बात हम लोग को बताना होता है, ख़ास तौर पे जो न्यू क्रिएटर है उनको बताना होता है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक कभी कभी सब्सक्राइब करना लाइक करना भूल जाती हैं, तो वो कभी कभी याद दिलाना होता है दोस्तों। तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करें, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर बनाएं। वेल वीडियो में आगे बढ़ते हैं जो मेजर पॉइंट है उसके साथ। दोस्तों अगर मैं बोट रॉकर्स 450 की बात करूं दोस्तों, तो ये काफ़ी गुड लुकिंग है, यानी कि देखने में फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन की बात करी जाए तो प्रीमियम फील जो एक वर्ड है वो आपको फील होगा। अगर आप फर्स्ट हैंड जब इसे यूज़ करोगे 450 को, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई मैं प्रीमियम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ या फिर हैंड में लिया हूँ। अगर वही इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें लगा हुआ है 40mm का ड्राइवर, जो कि आप सभी को पता है कि मैक्सिमम हेडफोन में जो ड्राइवर यूज करी जाती है वो 40mm का ही होता है। अब दोस्तों मैं इसकी कुछ अलग स्पेक्स की बात करूँ तो जिसमें कि आ जाता है कि चार्जिंग का, तो दोस्तों आज की डेट में चार्जिंग टाइप सी देना प्रोवाइड कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि अब बोट रॉकर 650 जो है उसमें टाइप सी चार्जर है। अब इसके वजह से ये थोड़ा सा जल्दी चार्ज होता है। पर दोस्तों जो बोट का 450 है उसमें USB दिया गया, यानी कि टाइप सी प्रोवाइड नहीं है। वहीं अगर बोट 650 की बात करी जाए दोस्तों, तो इसकी भी फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन की बात करूँ दोस्तों, तो ये भी गुड लुकिंग है, प्रीमियम फील ये भी देता है। पर दोस्तों थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई 450 से थोड़ा सा कम है। वहीं अगर इसकी चार्जिंग केबल की बात करूँ तो यस ऑफ कोर्स दोस्तों टाइप सी दिया गया है। अब इसके हेल्प से चार्ज फास्ट होता है, यानी कि 60 आवर्स का जो ये दिया गया कंपनी की तरफ से कि ये हेडफोन बैकअप देगा 60 आवर्स, तो दोस्तों ये एक्चुअली चार्ज भी फास्ट होता है, यानी कि आई थिंक 10 मिनट्स में एक घंटा या दो घंटा प्लेबैक आपको मिल जाएगा। ऑल दो दोस्तों मैं इसे दो दिन से यूज कर रहा हूँ और ये सिर्फ 10% अभी तक ये यूज़ हुआ है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैकअप में ये वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन रहेगा। वहीं अगर इसकी लुक्स की बात करूँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि रेड कलर में है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। हालांकि दोस्तों इसमें दो मोड दिया गया है म्यूज़िक को इन्हांस करने के लिए, पहला जो कि बोट का सिग्नेचर है, दूसरा जो कि बैलेंस मोड है। इससे आपको थोड़ा सा म्यूज़िक में फ़र्क दिखेगा, यानी कि जब आप बेस ज़्यादा चाहोगे तो आप सिग्नेचर मोड को ऑन कर दो, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो म्यूज़िक का क्वालिटी होगा वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो थंब है ये 450 के लिए है, ना कि 650 के लिए। ऑल दो अगर वेट की बात करी जाए दोस्तों, तो 450 जो है वो थोड़ा सा वेट हेवियर साइड है, अगर 650 की बात करी जाए तो वो थोड़ा सा लाइट वेट है, तो आपको वो वेट में फ़र्क दिखेगा। वही दोस्तों कुशन्स की बात करें तो कुशन्स जो है वो भी काफ़ी नरम है, यानी कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा नरम मिलेगा, तो आपको कान पर जब भी आप यूज़ करोगे हेडफोन को तो आपको नहीं चुभेगा।
हालांकि दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। वहीं अगर ड्राइवर्स की बात करी जाए तो दोनों में 450 और 650 दोनों में ही 40 mm का ड्राइवर यूज किया गया है, यानी कि लाउडनेस जो है वो दोनों में सेम मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर रियलिटी की बात करूँ तो 650 में थोड़ा सा ज़्यादा लाउडनेस मिलता है। वहीं अगर बेस की बात करूँ दोस्तों तो 650 में और 450 में दोनों में बेस सेम है, लेकिन जब आप लाउडनेस को फुल करोगे तो आपको बेस में डिफरेंट लगेगा, यानी कि दोनों में डिफरेंस दिखने को मिलेंगी। अगर मैं 450 की बात करूँ तो उसमें बेस जब बढ़ती है तो आपको वाइब्रेशन दिखता है, यानी कि आपके हेड पे पता चलेगा कि इस हेडफोन में वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन 650 में ऐसा नहीं है। हेडफोन के जब भी आप म्यूज़िक को ऊपर करोगे, वॉल्यूम को ऊपर करोगे, तो आपको बेस में ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं दिखता है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगर ट्रैवल की बात करूँ तो 650 में भी ज़्यादा ट्रैवल आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर दोस्तों साउंड की बात करी जाए तो 450 में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है कंपेयर देन 650 में। तो 650 में थोड़ा सा डिसेंट मिलता है, लेकिन 450 में थोड़ा सा बढ़िया मिलता है। दोस्तों उम्मीद है कि इस कंपैरिजन में आपको काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों फालतू का पैसा आप लोग इन्वेस्ट नहीं करें, जो आपको सही लगता है वही करें। तो आई थिंक अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो 450 को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं कंपेयर देन 650। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।